हेलो स्टूडेंट्स, आपका एनएस साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं मानव का अध्यावरणीय तंत्र, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है मानव का पाचन तंत्र। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाचन तंत्र भोजन से संबंधित होता है, मतलब शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को उनके एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण पदार्थों में बदलने की क्रिया को या बदलने जाने को ही पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसी अम्ल में तथा प्रोटीन को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करके या सरल अणुओं में बदलकर ही हमारे शरीर में इसका अवशोषण किया जाता है। मानव के पाचन तंत्र का निर्माण मुख्य रूप से आहार नहाल वह उसकी सहायक ग्रंथियों के द्वारा होता है। अब हम मानव पाचन तंत्र के चित्र के द्वारा समझेंगे उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। सर्वप्रथम मुख, पाचन तंत्र है वो मुख या मुख गुहा से शुरू होकर गुदा भाग तक, अंतिम भाग तक एक पूरा आहार नाल संरचना पाई जाती है। इस आहार नाल संरचना में मुख व मुख गुहा से स्टार्ट होकर मुख गुहा के बाद में जो पार्ट आता है वो ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में जो आती है लंबी पतली नलिका रूपी संरचना जिसको ग्रसिका या इसोफेगस या ग्रास नली भी कहते हैं। ग्रसिका से भोजन जब आगे बढ़ता है तब ये आमाशय एक पेशीय संरचना होती है जिसकी आकृति जे के समान होती है। उसके बाद भोजन आमाशय में आता है, मंथन की क्रिया होती है, अम्ल वगैरह जो भी हो एंजाइम पाचक जो भी निकलते हैं उनमें मिलके भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उससे पहले एक ग्रंथि और पाई जाती है जो कि हमारे पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि आती है, अग्नाशय ग्रंथि से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं जिनका हम आगे अलग अलग टाइप है डिटेल से पढ़ेंगे। अग्नाशय के बाद में भोजन आमाशय से घूमता हुआ ग्रहणी के माध्यम से, जो पाचन तंत्र का अगला भाग है वो ग्रहणी, ग्रहणी से होता हुआ क्षुधांत्र में प्रवेश करता है। क्षुधांत्र यानी छोटी आंत, क्षुधांत्र को बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का जो भाग है यह सब शुरुआत का, इसको अग्र क्षुधांत्र कहते हैं। इसमें जब भोजन आने के बाद धीरे धीरे पूरी आंत में घूमता है तथा अधिकांश भोजन का पाचन या अवशोषण इसी भाग में क्षुधांत्र भाग में होता है। इसी भाग मतलब क्षुधांत्र छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत में पूरे पूर्ण भोजन का अवशोषण होने के बाद जब पीछे जो भाग बच जाता है उस भाग में जल की मात्रा होती है और वो जैसा डायग्राम में दिख रहा है एक ये महारूप जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं बृहदान्त्र यानी कि बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। इस बड़ी आंत में जिस अवपचित भोजन में जल की मात्रा पाई जाती है उसका अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा होता है। बड़ी आंत की संरचना भी तीन भागों में बटी हुई है जिसके आगे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसमें एक जगह होती है जिसको अंधनाल बोलते हैं। अंधनाल के आगे एक संरचना पाई जाती है जैसे कर्मी रूपी परिशेषिका, ये आंत्र का ही भाग है, परिशेषिका कहलाती है। इन सब में से भोजन पचता हुआ घूमता हुआ आरोही वृद्धांत्र, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र और अवरोही वृद्धांत्र से होता हुआ मलाशय में पहुंचता है जहां पर मलाशय से भोजन इकट्ठा होता है और समय समय पर गुदा मार्ग के द्वारा इस भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है। इस संपूर्ण
मानव आहार की साधना मुख या मुख उपवास से लेके गुदा तक लगभग 6 से 9 मीटर तक होती है, जो कि अगर फुट में बात करें तो 27-28 फुट या लगभग कुछ बुक्स में 30 फुट के लगभग भी बताई हुई है। जैसा कि हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, हम डायग्राम के माध्यम से हमने इसके अंगों के स्थिति को देखा। हमें भी आलेखित चार्ट के माध्यम से देखेंगे इसमें कौन कौन से अंग और उन अंगों के क्या क्या प्रकार हैं। तो मानव पाचन तंत्र आलेखित डायग्राम है, उसमें देखिए सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल की लगभग लंबाई 6 से 9 मीटर बताई गई है। आहार नाल आगे मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें प्रथम भाग है मुख गुहा, द्वितीय भाग है ग्रास नली जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं, तीसरा पार्ट है आमस है पर इंपोर्टेंट पार्ट है, और चौथा पार्ट है आम। अब मुख गुहा में भी कुछ भाग या अंग पाए जाते हैं, जैसे जीभ, जीभ के बाद में तालु, तालु के बाद में दांत, उसके बाद में लंबी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं ग्रसनी, उसके बाद में ग्रास नली एक लंबी संरचना होती है जिससे भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, और आमाशय के भी 3 भाग होते हैं जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे इसमें पाइलोरिक भाग पाया जाता है, जठराग्रम पाया जाता है, जठर निर्गम भाग पाया जाता है। उसके बाद आती है आंत, और आंत में सबसे पहले आंत आती है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो लगभग 6 से 7 मीटर पाई जाती है, जो कि आमाशय पाचन तंत्र में आमाशय के नीचे के भाग में सतति रूप में पाई जाती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर है, लगभग आंत की लंबाई नहीं, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर है। छोटी आंत के भी 3 भाग है, जिसमें सबसे पहला भाग है ड्यूडोनियम जिसको ग्रहणी भी कहते हैं, उसके बाद में अगला पार्ट आता है जिसको कहते हैं जेजेनम, जेजेनम को मध्यांतर भी बोलते हैं, उसके बाद आता है इलियम, इलियम को शेषांतर भी बोला जाता है। इनमें भोजन का अधिकांश पाचन हो, अधिकांश भोजन में से खनिज लवण विटामिन मिनरल्स का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद ये भाग बड़ी आंत की ओर चलता है, बड़ी आंत, और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट सीकम, सीकम को हिंदी में उडुक बोलते हैं, उडुक भाग। दूसरा भाग होता है कोलन, मतलब अधिकांश भाग कोलन का ही बना होता है, जिसे वृद्धांत या बड़ी आंत कहते हैं। और सबसे अंतिम भाग जो होता है जिसे रेक्टम या मलाशय कहते हैं, इसके बाद गुदा का भाग पाया जाता है जहां पर आहार नाल की समाप्ति हो जाती है। इस आहार नाल के पार्ट के अलावा हमने बताया था मानव पाचन तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें दूसरा भाग है संबंधित पाचक ग्रंथियां। ये संबंधित पाचक ग्रंथियां मानव के पाचन तंत्र में 3 प्रकार की हैं, जिसमें प्रथम है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। फिर तीसरी जो दूसरी जो इंपोर्टेंट ग्रंथि आती है वह यकृत ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि से पित्त का निर्माण होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहलाती है। और यकृत से पित्त बनने के बाद एक संरचना पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, उसमें पित्त इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद में तीसरी पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथि आती है, वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि भी पाचन तंत्र में काफी इंपोर्टेंट स्थान रखती है, क्योंकि इनसे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये अल्फा बीटा गामा सेल्स पाई जाती है अग्नाशय के अंदर।
जिससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कुछ बीमारियां वगैरह से मधुमेह है, शुगर वगैरह होने की संभावना होती है। ये आले की चित्तर के माध्यम से हम पाचन तंत्र को आसानी से समझने में या समझने में या सरलता से पाचन तंत्र को हम समझ सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, मानव पाचन तंत्र के अंगों के भाग। प्रथम भाग है आहार नाल। आहार नाल लगभग 6 से 9 मीटर लंबी होती है, जो एक कुंडलित पेशी नली है, जिसका विस्तार मुख व मुख गुहिका गुहा से गुदा अर्थात मल द्वार तक होता है। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, जिनमें प्रथम कार्य है आहार को सरलीकरण अर्थात जटिल पदार्थों को सरल भागों में बांटकर पचाना। दूसरा जो मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन को आहार नाल द्वारा अवशोषण करना, मतलब खनिज विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी अवशोषित लायक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करना। तीसरा आहार नाल का कार्य है आहार को मुख से मल द्वार अर्थात गुदा तक पहुंचाना। आहार नाल के कुछ भाग, जिनमें प्रथम भाग है मुख एवं मुख गुहिका। मुख या मुख गुहिका मानव में मुख्यतः मुख दो भागों में बटा हुआ है, मुख का अग्र भाग तथा मुख गुहा। मुख तथा मुख गुहा में अग्र भागों में होठ दांत गाल पाए जाते हैं तथा इन्हीं मुख गुहिका के अंदर आंतरिक भाग में अदर तलीय पेशीय भाग से जीभ सरदा जिसे जीहा भी कहते हैं निकली होती है। इन जीभ या जीहा कोशिकाओं ग्रंथियों पर स्वाद की कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे हमें खट्टे मीठे स्वाद नमकीन आदि का ज्ञान होता है तथा हमारे ऊपरी जबड़ा जिसे अचल जबड़ा कहते हैं तथा निचले वाला चल जबड़ा, इन जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दांत। दांत मनुष्य में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि मसूड़ों में फंसे हुए रहते हैं। दांतों में से 4 प्रकार के दांत में से फर्स्ट दांत को कर्तंक, दूसरा जो दांतों का प्रकार है उनको कहते हैं रदनक, तीसरा है उसको कहते हैं अग्र चवड़क, चौथा जो है चवड़क। 4 प्रकार के दांत ऊपरी और निचले जबड़ों में पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 दांत, निचली जबड़े में 16 दांत। इस प्रकार मानव में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। मानव के दंत विषमदंती प्रकार के होते हैं, क्योंकि दांत विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में कर्तनक या इंसीजर, जिनको आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो प्रकार है रदनक, जिन्हें कैनाइन या सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो प्रकार है अग्र चवड़क या प्रीमोलर, जिसे पीएम से करते हैं। चौथा जो प्रकार है चवड़क या मोलर, जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं। मानव शरीर की सबसे कठोरतम परत दांत पर ही पाई जाती है, जिसे इनेमल कहते हैं। ये दांत की परत व दांत की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बनी होती है, जो हमें दांत की परत को कठोर बनाती है। मानव दांत द्विबार दंती कहलाता है, क्योंकि मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं। 2 बार मतलब प्रथम बार आते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, क्योंकि इन दांतों को अस्थायी दांतों को या इन दांतों को
दूध के दांत, दूध के दांत भी कहते हैं, तथा स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। इसी आधार पर दांतों का दंत सूत्र पाया जाता है। दंत सूत्र 21-23/21:2=32, यह स्थायी दांतों की संख्या होती है वयस्क पुरुष में। वयस्क मानव या पुरुष में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। जैसा कि दूध के दांतों में अगर हम देखें इन प्रकारों में से, अगर चौड़ प्रकार के अर्थात दूध के दांत या अस्थायी दांतों में अगर चौड़ प्रकार के दांत स्थित या मौजूद नहीं होते हैं। दांत की संरचना की बात करें, दांत की संरचना 3 भागों में बटी होती है। दांत की ऊपर का पार्ट होता है उसको शिखर बोलते हैं, बीच के भाग को गिरवा और सबसे एंड वाले पार्ट को जड़ या मूल कहते हैं, और यहीं पर मांसल गुदेदार संरचना होती है जिसे मसूड़े कहते हैं। मसूड़े दांत के अंदर रक्त की वाहिनियां पाई जाती हैं जिससे दांत को पोषण प्राप्त होता है, और दांत के इसी ऊपरी परत पर इन्हें मल पाई जाती है। दांत के सबसे ऊपरी भाग पर क्या पाई जाती है? इन्हें मल। दांत की संरचना के बाद में अगला भाग है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहिका एवं ग्रसिका, ग्रसिका मतलब ईसोफेगस या ग्रास नली के मध्य के भाग को ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी श्वसन एवं पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है। ग्रसनी के अंदर जब मुख गुहिका से हम भोजन को अंदर निकलते हैं तब इसमें कंठ द्वार यानी ग्लोटिस से आगे की ओर एक चपटी संरचना पाई जाती है जैसे एपिग्लोटिस या पल्ला कंठ या पल्ला ढक्कन कहते हैं। पल्ला ढक्कन के बाद में जब ग्लोटिस का कार्य क्या है या एपिग्लोटिस क्या कार्य करता है, जब हम भोजन करते हैं तो इन भोजन को ग्लोटिस ढक देता है एपिग्लोटिस को, और भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। अगर भोजन श्वास नली में जाएगा तो हमें फेफड़ों में जाने की संभावना रहती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है तो एपिग्लोटिस, या फिर कह सकते हैं इसको कंठ द्वार या ग्लोटिस, इसको क्या कर देता है? ढक देता है। अगला भाग है ग्रसिका। ग्रसिका को ईसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है या ग्रास नली के नाम से भी जाना जाता है। ग्रास नली या ग्रसिका मांसपेशियों से निर्मित एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर, कहां से? ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर कहां तक? आमाशय तक। जुड़ी होती है। ग्रसिका या ग्रास नली की बात करें तो इसकी दीवारें श्लेष्म ग्रंथियों से निर्मित होती है या पाई जाती है। इन श्लेष्म ग्रंथियों के कारण ही भोजन चिकना होता है तथा ग्रसिका या ग्रास नली में भोजन कर्माकुंचन कर्मा
कुंचन कर्मा कुंचन क्रिया द्वारा ग्रास नली में फिसलता हुआ भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। भोजन निकलने की जो क्रिया है वह प्रतिवर्ती क्रिया होती है। भोजन निकलने की जो क्रिया है वह प्रतिवर्ती क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में पूछा जाता है भोजन को निकलने की क्रिया ग्रास नलिका में होती है। क्रिया की बात करते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, और गति पूछ ले तो कर्माकुंचन क्रिया या गति। कर्माकुंचन श्वास नली में क्या है, ग्रीष्मिका में छल्ले नुमा संरचना है, उन छल्लों में कंपन होता है ऊपर से नीचे, प्रतिवर्ती क्रिया इसी को कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, और भोजन फिसलता हुआ सीधा कहां पहुंचता है, आमाशय के अंदर। ग्रास नली में इंपोर्टेंट लाइन है, ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती, अर्थात इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी भाग में आहार नाल के कौन से भाग में पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, तो अब आंसर होगा ग्रीष्मिका या ईसोफेगस। ग्रीष्मिका या ग्रास नली वो आमाशय के मध्य एक वाल पाया जाता है जिसे स्पिक्टल वाल कहते हैं, स्पिक्टल वाल। ये स्पिक्टल वाल भोजन को पुनः ग्रास नली में वापस जाने से रोकता है, मतलब आमाशय और ग्रीष्मिका के पास पाया जाता है आमाशय के ऊपर, जब भोजन ग्रीष्मिका के द्वारा आमाशय में प्रवेश कर जाता है तो भोजन वापस ग्रास नली में जाए, उसके रोकने के लिए एक वाल जैसी संरचना है जैसे स्पिक्टल वाल कहते हैं। ओके बच्चों, इस भाग में आहार नाल से संबंधित या पाचन तंत्र से संबंधित आहार नाल के हमने आहार नाल मुख ग्रसनी व दांत तथा ग्रीष्मिका के भागों का अध्ययन किया है। इससे अगले भागों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप देखते रहिए एनएस साइंस क्लासेज।